मैं हूँ मेघा एंड आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राइस वाटर बेनिफिट्स। वैसे तो दोस्तों ये काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। इनफैक्ट जो एंशिएंट चाइनीज जापानीज वुमेन होते थे वो इस राइस वाटर को अपने स्किन और हेयर पे यूज करते थे, जिसका रिजल्ट ये था कि उनका फेस काफी ग्लोइंग फील होता था, काफी सॉफ्ट मॉइस्चराइज रहता था एंड उनके जो बाल होते थे काफी सिल्की स्मूथ स्ट्रॉन्ग इतने लंबे होते थे कि वो उनके फीट को टच करते थे, इतने लंबे उनके बाल होते थे। इन शॉर्ट राइस वाटर इज कामिंग मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग। इसलिए गाइस राइस वाटर आज भी कोरियन प्रोडक्ट्स में काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट है। तो गाइस राइस वाटर को आप आपके स्किन हेयर और बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल बना सकते हो ये आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेक श्योर करें आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो गाइस सबसे पहले हम राइस वाटर कैसे बनाते हैं। वैसे तो राइस वाटर बनाने के काफी तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपसे इसमें से तीन तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट है डाइल्यूटेड राइस वाटर, सेकंड है बॉइल्ड राइस वाटर एंड थर्ड है फर्मेंटेड राइस वाटर। फर्स्टली डाइल्यूटेड राइस वाटर बनाने के लिए आपको ऑर्गेनिक राइस लेना है एंड आपको उसे वॉश करना है। मेक श्योर करना कि आप इसे ओवर वॉश ना करें, वरना उसके अंदर के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स विटामिन एमिनो एसिड से जो फुल पैक्ड है वो ना निकल जाए। हमें सिर्फ मेक श्योर करना है कि हम उसकी गंदगी निकाल रहे हैं एंड हमारे जो अच्छे विटामिन है वो हमारे लिए स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद वॉश राइस को थोड़ी फिल्टर्ड पानी में डाल के 20 टू 30 मिनट साइड में निकाल के हमें इसे रख देना है। सेकंड है बॉइल्ड राइस वाटर। तो गाइस चावल सबके घर में बनते ही है, दिन में एक आध बार तो हम चावल बनाते ही है। तो दोस्तों जब ये चावल बॉईल हो रहे हैं, इसका जो पानी होता है इसे आपको स्ट्रेन करके साइड में रख देना है। इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, आप इसे इजीली 5 to 7 days यूज कर सकते हो। थर्ड इज फर्मेंटेड राइस वाटर। फर्मेंटेड राइस वाटर हेयर के लिए काफी यूजफुल होता है। इसके लिए आपको इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, जो राइस वाटर होता है इसे आप बाहर निकाल के 24 आवर्स के लिए स्टोर कर दो। इसके अंदर से एक सॉर पंजेंसी स्मेल आएगी, इसका मतलब कि ये फर्मेंट हो रहा है। जब ऐसी स्मेल आने लगे आप इसे फ्रिज में रख दो तो वो स्मेल रिड्यूस हो जाएगी। सबसे पहला ब्यूटी बेनिफिट ये है कि आप इसे एज फेस मिस्ट या फेस टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपको आपके फेस पे सिर्फ स्प्रे करना है या लगाना है, यह आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप राइस वाटर को एज फेस मास्क भी यूटिलाइज कर सकते हो, या तो आप इसे कोई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके आपके फेस पे लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डाइल्यूटेड राइस वाटर भी आपके फेस पे यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन के इम्प्योरिटीज को निकाल देता है एंड आपके स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइजिंग बना देता है। इनफैक्ट अगर आप कोई ओकेशन में जा रहे हो एंड आपके पास टाइम नहीं है, कोई शॉर्ट नोटिस पे आपको कहीं जाना है, फेशियल करने या पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप इस राइस वाटर को अप्लाई करना, आपके फेस को ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है, सॉफ्ट स्मूथ बना देता है। थर्ड बेनिफिट इज गाइस अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है, जैसे आपको एक्जिमा है या फिर आपको मॉस्किटो बाइट्स है, रैशेस है, तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, चिल्ड राइस वाटर को लेके जो आपका अफेक्टेड एरिया है उस पर आपको पोर कर देना है, या आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। तो गाइस आप ये राइस वाटर को आइस ट्रे में डाल के रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। आप आपके टी जोन्स पे उसे रब करोगे तो आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, लार्ज पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे एंड आपका स्किन टाइट फील होगा, टी जोन्स पे जो ऑयल आता है वो कंट्रोल में आ जाएगा।
राइस वाटर हेयर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है गाइस। राइस वाटर में एमिनो एसिड्स होता है जो हेल्प करता है आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में। आप डाइल्यूटेड राइस वाटर यूज कर सकते हो जब आपने शैम्पू और कंडीशनर दोनों कर दिया है आपके बालों को। आप डायरेक्टली राइस वाटर को अपने पूरे बालों पे इसे आपको पोर कर देना है। अगर आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, अगर आपको काफी डैंड्रफ है या फिर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेयर स्ट्रांग नहीं है, टूटते जा रहे हैं, तो गाइस आपको इसके लिए फर्मेंटेड राइस वाटर यूज करना है। इसमें थोड़ी सी पंजेंसी स्मेल आएगी जब आप फर्मेंटेड राइस वाटर अपने स्कैल्प पे अप्लाई करोगे, पर गाइस ट्रस्ट मी, ये काफी अच्छा तरीका है आपके डैंड्रफ से रेड होने का। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई एंड आप ये राइस वाटर टेक्निक जरूर ट्राई करेंगे। ऑल्सो दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 नीचे जाके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही कनेक्टेड रहे एंड आप मेरी वीडियो का कोई भी अपडेट मिस ना करो।